करना कैजुअलिटी को बाहर है फायदा। अब इसके कितने तरीके यूज करेंगे वो सारे सीखेंगे, ठीक है। तीसरे तरीके एक होता है, एक होता है रोप के द्वारा, किसी रस्सी के द्वारा व्यक्ति के हाथों को सलाइयों को बांध करके उसको क्या करना, पर धुआं होगा किसकी बंद होगी, समस्या अनेक है ना। जैसे अगर किसी धुएं में अपने को व्यक्ति को कैजुअलिटी को बाहर निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अपने पास जो संकट है वो ये धुआं, उस धुएं में नहीं तो वो व्यक्ति दिख रहा। भाई अगर मैं सीधे रूम में घुस रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अपने फायरमैन लिफ्ट किया था ना, एक बंदा वहाँ गिरो, अरे एक बंदा वहाँ गिर जाओ हड़का सा नहीं तो बड़ा शानदार टॉपिक है, अभ्यास करना है, ठीक है। सारी चीजें सीखने को मिलेगी, रेस्क्यू का जो अपने टॉपिक है ना वो सारा हो गया। अब ये व्यक्ति लेटा हुआ है, सबसे पहले इसमें धुआं है ही नहीं, क्या नहीं है, जरूर थोड़ी धुआं ही हो किसी रूम में। अब इस व्यक्ति को बचाना है तो अपने कौन सा यूज करेंगे, यहाँ को नहीं है कि मैंने तरीका बताया धुएं वाला रेंगता हो जाओ दिखने ला रही था फिर भी पट्टी बांध दिखाओ, फिर भी दिखा हुआ है आपको, देखने चिपता जाओ फिर भी, यानी आपको सही दिख रहा है तो आप सही तरीके से जाओ ना, बिल्कुल जाकर के पहले तो इसके जो ये है ना कंधों को छुआ, क्या हुआ है अगर ये बोले कि सर पता नहीं चक्कर आ गए गिर गया मैं, अब उसको क्या करना है, फाइल में लिफ्ट के अकॉर्डिंग उठा करके लेके आ रहे, वही तरीका गेट से बाहर लेकर गया। तरीका कौन सा है, उसके बाद वापस इसके ऊपर जाओ, मैं कि यहाँ हूँ दोबारा चोट लग सकती है, हो सकता है पैर को भी चोट लगी हुई हो, अगर पैर को चोट लगी हो क्या करनी है, मानना है वैसा कि ना, तो वो सारी चीज बातें पता चलती है, अरे यार इसको पैर को भी चोट लगी है, वो बातें पता चलता है। अब ये खड़ा होगा फिर वो दर्द हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या हुआ है, इसका मानव वैसा भी करना है, फिर वो बातें पता चलेगा, इसको खड़ा तो करे, अब इसको खड़ा करना है, अपन चले गए यहाँ बिल्कुल यहाँ, अब अपन इसको अपने घुटनों क्या करना है, इनके घुटनों क्या करना, टच करना है, ये तरीका हो गया समझ गए ना। अब इसके हाथों को अकुनी से ऊपर पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कर लिया। अब घबराना नहीं है और देख लेना है दूर हो जाओ, उसके बाद में ये उसके बाद में ये हाथ आपका यही रहेगा क्योंकि इसका ज्यादा दबाव कहेगा पीछे रहेगा, बिल्कुल जो पूरा जो रहा हो, और ये आपका जो राइट घुटना है ना, कोशिश क्या करो कि सीधा यहाँ से हो जाए, अगर यहाँ से नहीं हो रहा ना ये पैर है ना, समझ गए, समझ गए, समझ गए, दोबारा बाहर वहां उतारा, उतार लिया, और सेम ही वही तरीका, समझ गए, जोश पूरा लगेगा, समझ गए, तो ये आते ये हो गया आपका, अब क्या करना है, इसे ये है धुएं वाला कमरा, क्या है इसमें धुआं है मेरे घुटने से ऊपर ऊपर, कहाँ है क्योंकि लगभग 99% धुआं क्या ऊपर उठा होगा, फंड ले गया, जा दौड़ के ले गया, बीच
ये गेट को क्या करेंगे, खोलेंगे। अब तरीका ये होगा, या तो आप बिल्कुल राउंड होकर के उस गेट को ऐसे खोलोगे, या आप ऐसे बैठे हो। अब इससे अपने हाथों से पैरों से एक्टिविटी कर सकते हो, अपने पैरों से एक्टिविटी कर सकते हो, दूर हो पैरों से उस रूम को क्या कर सकते हो, गेट को खोल सकते हो। वो गेट खोलने के बाद ही जो धुआं है वो क्या करा अचानक निकलेगा बाहर, कहाँ निकलेगा बाहर। अपने पास में, अपन साधारण व्यक्ति है, मेरे पास में रेस्क्यू के लिए पूरे उपकरण नहीं है, रेस्क्यू के लिए पूरे उपकरण नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं ड्रेस में, हो सकता है मैं ड्यूटी, तो फिर भी अपने को साधारणतः रेस्क्यू करने के लिए सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अपने नाक के ऊपर से बाल, इसका मतलब क्या हो गया, जो धुआं है ना कार्बन है वो अपने अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि एक लेयर बन गई ना। दूसरा तरीका, अंदर जाएंगे कैसे जाएंगे, रेंगते हुए कैसे जाएंगे, सांप जहाँ बिया को जानो, सांप जहाँ बिया भी को रेंग लो, सांप आ रहा है वैसे तो बेहोश वाला व्यक्ति आएगा, अपन जाएंगे घुटनों के बल, अपन जाएंगे घुटनों के बल, ओके से जैसे मैंने क्या कर ली, क्योंकि रूम के अंदर हो गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे ये है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे रूम के अंदर है भैया, ऐसे जाऊंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, समझ गए ना, ऐसे जाऊंगा, मुझे पता चला उल्टा है, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, सीधा, अगर किसी ये उल्टी है ना इसको क्या करेंगे, सीधा कर दिया ना, रस्सी यानी पूछेंगे क्या हुआ, इसका मतलब उसे कुछ नहीं बोल रहा, उसके बाद मेरे पास में क्या होगी, एक रस्सी, रस्सी होगी, या मेरे पास में कोई पट्टी होगी, क्या होगी, सिंगल पट्टी होगी ना। अब मेरे पास में अगर पट्टी नहीं है जी, मेरे हाथों क्या करेंगे, जहाँ बंद कर रखी है, कोशिश करोगी क्या, मुझे मेरे बीच में से क्या करोगी, इसलिए आपको फंसा देंगे समझे ना। उसके बाद में या तो आपने इसको इसे बांध सकते हो, क्योंकि ये आसान हो जाएगा, ये रस्सी है, जल्दी से निकल जाएगी, एक पार्ट को पकड़ लिया, दूसरे पार्ट को क्या कर देंगे, बांध देंगे, क्या कर देंगे, बांध देंगे सर, समझ गए, उसके बाद में ये भ्रम नहीं है, बाहर आ गए ना, खोल लेंगे, अगर बाहर लेके जाना वैसे ही कैजुअलिटी को उठा करके, बाहर भी तुम उठाते हैं ना, उठा करके क्या हो गया, वाले कमरे से करके देखो,